Hi, this is Sachin Bajaj and in this video we are going to discuss question number 4 of exercise 1.1 class 10th chapter number 1 real numbers. ये question मेरे पिछली video में छूट गया था क्योंकि पिछली video में मैंने 1.1 complete करा दी है इसलिए मैंने इसको अलग से upload किया है. ठीक है, चलिए देखते हैं question. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. वो बोल रहा है कि Euclid's division lemma का use करिए और ये prove करिए कि square of any positive integer, किसी भी positive integer का जो square होता है, is either of the form 3m or 3m plus 1. वो या तो 3m की form का होता है या 3m plus 1 की form का होता है. ठीक है, मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो ए है. ठीक है, अच्छा अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको पता है बाय, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बात करी है, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं. यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या बोलता है, वो बोलता है a equals to bq plus r. ठीक है, अच्छा और r क्या होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, और b से क्या होगा, छोटा होगा. ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, आपको क्या लाना है, 3a 3m लाना है या 3m plus 1 लाना है, मतलब b के प्लेस पर आपको 3 लाना है. आप b के प्लेस पर 3 को पुट कर दीजिए, जब आप b के प्लेस पर 3 को पुट करेंगे तो मिलेगा ऑन पुटिंग b equals to 3 we will get a equals to 3q plus r. तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3q plus r मिल गई. ठीक है, अब जो r की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, आपको पता है r मिनिमम 0 हो सकता है, और लेकिन जो रहेगा हमेशा b से छोटा रहेगा, b की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम r कितना रह सकता है, 2 रह सकता है. ठीक है, तो हेंस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r equals to क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है. ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, अगर r 0 हो, क्या हो, if r की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो a बन जाएगा 3q plus 0, plus 0 लगाने की नीड नहीं है, तो a equal to क्या है, 3q. हमने प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, a माना था हमने पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर नहीं माना था, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, q का स्क्वायर करेंगे तो आएगा q स्क्वायर. फॉर्म लानी है 3m, तो इसको 3 में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3 * 3q स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये 3 का 9 होता है ना. अगर मैं इसको m मान लूं, सो वी विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3m, यहां लिख देना क्या, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, इज इट क्लियर. अच्छा अब जरूरी तो नहीं है कि ये जो है r 0 हो सकता है r की वैल्यू 1 हो. अच्छा इफ r इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू 1 हुई तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a इक्वल टू 3q प्लस 1 बन जाएगा ना, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे पे जाएगा, इस पे अलग, इस पे अलग मत कर देना. ठीक है, ये हो जाएगा 3q plus 1 का होल स्क्वायर. ठीक, तो ये देगा आपके पास a स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया a plus b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है, आपको पता है a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab, a के प्लेस पर 3q है, b के प्लेस पर 1 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2 into a into b, is it clear. आगे देखते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस 3 टू 6q. आपको देखो ये लाना है फॉर्म 3m plus 1, plus 1 लास्ट में चाहिए, ये वाला plus 1 को लास्ट में बचा दो, तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर plus 6q plus 1,
ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 9 और ये 6, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है। चलिए इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसको अगर देखना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3, अगर मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 3, 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 क्यू प्लस 1। अब अगर मैं इसको m बोल दूं तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1, सिंपल। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू, अब m की वैल्यू रखो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है। अच्छा दूसरी फॉर्म भी आ गई, लेकिन एक चीज अभी बची, r की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है। अच्छा चलो, इफ r इक्वल टू 2 तो r प्लस 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, है ना। फिर से क्योंकि हमें स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमें स्क्वायरिंग कर देंगे, तो याद रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर जाता है होल पे, इसको अलग अलग स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अभी ए है 3 क्यू बी है 2, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टू 6 टू 12 क्यू। अच्छा वैसे रीअरेंज करें तो मिलेगा हमें ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। प्रॉब्लम ये है लास्ट में तो 1 चाहिए था, ये 4 आ रहा है, इसको भी ब्रेक कर लो ना, फिर इसको जब आप ब्रेक करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, आप खुश बना गया। अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो 3 आ गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1। अब इसको m मान लो तो याद आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, आगे फिर से वही फॉर्म। तो एक बात पता लग गई, हमने माना था a को एक पॉजिटिव इंटीजर को मैंने बता दिया, ठीक है। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर आ रहा है या तो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है, यानी कि हैंस यहां लिख देना, वैसे m की वैल्यू क्या आई, m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, और लास्ट में क्या देखोगे, हैंस स्क्वायर ऑफ Any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, hence proof, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके से फ्री वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।